महायुति गठबंधन की सरकार कर सकती है। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा महाराष्ट्र के अंदर डबल इंजन की सरकार आई, काम फिर से तेजी के साथ आगे बढ़ने लग गए। यूपी में 2017 से डबल इंजन की सरकार है, तो वहां आपने देखा होगा लैंड माफिया, लैंड जिहाद के नाम पर, लव जिहाद के नाम पर जो लोग पिछली सरकारों में कुछ करते थे वे या तो यूपी छोड़ चुके हैं या फिर जहन्नुम की यात्रा में जा चुके हैं। अब वहां नहीं कुछ होता। बहनों और भाइयों, जितने दुर्दांत माफिया थे वहां के, वे सब भी राम नाम सत्य है कि यात्रा में जा चुके हैं। और इसीलिए मैं आप सब नागपुरवासियों को आह्वान करने के लिए आया हूं, 20 नवंबर को चुनाव है। हरियाणा ने हैट्रिक लगा करके साबित कर दिया है कि देश को भाजपा ही आगे बढ़ा सकती है और विकसित भारत की परिकल्पना को केवल भाजपा साकार कर सकती है। महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर भी चुनाव है। झारखंड के अंदर कल पहले चरण का चुनाव होना है और 20 नवंबर को दूसरे चरण का और अंतिम चरण का चुनाव होना है। मैं महाराष्ट्रवासियों से कहूंगा, झारखंड तय कर चुका है कि डबल इंजन सरकार ही बेटी रोटी और माटी की रक्षा झारखंड के अंदर कर पाएगी और केवल भाजपा कर पाएगी। और यही आह्वान महाराष्ट्र से मैं करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने योग्य प्रत्याशी आपके बीच में दिए हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावन कुले जी भी इसी नागपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर घूम रहे हैं, अभी अपने विधानसभा क्षेत्र में नहीं गए। वे तो भारी बहुमत से जीतेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं, और सबका आशीर्वाद, नागपुर का आशीर्वाद उनको प्राप्त होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नागपुर मध्य से श्री प्रवीण दटके को और दक्षिण नागपुर से मोहन मते को अपना प्रत्याशी बना करके भेजा है। आप इन सबको अपना आशीर्वाद देंगे? इन प्रत्याशियों को आपका आशीर्वाद मिलेगा? भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे? दोनों हाथ ना करके बोलो नागपुरवासियों, जहां तक आवाज जा रही है, दोनों हाथ ना करके दोनों प्रत्याशी यहां आकर के अपनी आशीर्वाद देंगे ना इनको? सभी लोग सहमत हैं? घर घर जाकर के एक एक व्यक्ति से अपील करेंगे और अपील भी इस बात को लेकर, देश के अंदर नागपुर ने इंफ्रास्ट्रक्चर का एक मॉडल दिया है। सरदेव गडकरी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में और चंद्रशेखर बावन कुले जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी महायुति का पूरा गठबंधन महाराष्ट्र के अंदर भी चुनाव लड़ रहा है। इसलिए नागपुर में इतने भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजयी होने चाहिए कि महाअगाड़ी गठबंधन के सभी प्रत्याशियों की जमानतें जब्त हो जाए। सहमत है? सभी लोग सहमत हैं? दोनों हाथ उठा करके मुझे यहां पर आश्वस्त करिए, जहां तक आवाज जा रही है दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय, श्री राम जय, जय श्री राम जै।